क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बड़ी मुश्किलें, मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज हुआ परिवाद। भागलपुर में सरकार के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन, शिक्षक नियमावली 2023 में बदलाव को लेकर फूटा गुस्सा। भागलपुर में राष्ट्रीय अदालत का होगा आयोजन, अदालत से पहले लोगों को जागरूक करेगा रथ। भागलपुर में आईटीआई में मजदूरों को किया गया जागरूक, एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। भागलपुर में तपती गर्मी और पानी की किल्लत, बूंद बूंद के लिए तरसे लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुख करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। युवा कांग्रेस सुपौल के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार झा ने आज गढ़बुआरी रेलवे स्टेशन परिसर में युवा कांग्रेस सुपौल और बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कहा कि अगर हमारी सभी मांगों पर रेल विभाग अमल नहीं करती है तो जल्द ही अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा, जिसके लिए सारी जवाबदेही रेल विभाग की होगी। करके हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पहला मांग है जो अभी जो रेल विभाग के द्वारा राजरानी और जोगबनी के लिए ट्रेन चलाने की जो बात हुई, राजरानी सरायगढ़ से जोगबनी तक एक ट्रेन जो दी जा रही है, उसका गढ़बुआरी रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं दी गई है, उसका स्टॉपेज का मांग है। वही बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर कोर्ट के एसजीएम फर्स्ट वेस्ट के कोर्ट में हिंदुओं की भावना को आहत पहुंचाने के खिलाफ ये परिवाद दाखिल की गई है। परिवाद के अनुसार भगवान की तुलना खुद से की जाने को लेकर ये विरोध जताया गया है। वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 मई को मुकद्दर कर दी है। आज मेरे माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री पर एक मुकदमा माननीय एसीजीएम सौ सब जज एक पश्चिमी के न्यायालय में दर्ज कराया गया है, जिनमें आरोप लगाया है गया है कि वो अपने आप को भगवान का अवतार समझते हैं और लोगों को गलत रूढ़िवादी तरीकों से पूरे देश के जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे हमारी सहित देश के करोड़ों जनता की भावना की आहत पहुँची है। इसी को लेकर मैंने माननीय न्यायालय में आज परिवाद पत्र दायर किया है। जी, आज ये परिवाद दर्ज कराया गया है वरीय अधिवक्ता सूरज कुमार के द्वारा। परिवाद में यह बताया गया है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम, जिनका उपनाम बागेश्वर धाम है, उनका कहना है कि वो भगवान बजरंगबली के स्वरूप है, उनके अवतार है, और ये कहकर समाज के हिंदुओं को ठेस पहुंचा है। अगली खबर नालंदा से है, जहां रहुई प्रखंड क्षेत्र के पंचायत कार्यालय में
HBMCS उद्योग कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का लक्ष्य है कि सरकार की ओर से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजना का लाभ जनमानस को आसानी से मिले, जिसको लेकर प्रखंड क्षेत्र के युवा द्वारा एक स्टार्टअप हरचंदा ब्लॉक मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पॉजिटिव सोच के साथ साथ बिहार को उद्योग के मामले में आगे ले जाना है। संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को योजनाओं और विकास के बारे में सही जानकारी मिलेगी। कि जो हरचंद्रा ब्लॉक मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी सिस्टम जो इनके बीच आई है, उनका जो सोच है कि पूरे नालंदा को जो सरकार की योजनाएं हैं किस तरह से लोगों के बीच में आपके माध्यम से प्रचार करें, ताकि जिन लोगों को थोड़ा सा भी जानकारी की कमी है इंडिविजुअल जाकर के एजुकेट करेंगे, क्योंकि परसेप्शन को बदलना है। नालंदा में कराय परशुराय थाना क्षेत्र के वेरथु पंचायत में मामूली से विवाद को लेकर कलयुगी भतीजे सुरेंद्र सिंह ने अपने ही चाचा विजेंद्र मिस्त्री की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि बच्चों के बीच हुए मामूली से विवाद में चाचा विजेंद्र चौधरी को पहले मारपीट की, उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पाकर कराय परशुराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के डीटीओ कार्यालय के पास रात में ही अज्ञात चोरों ने ट्रैक्टर शोरूम गोदाम का खिड़की तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना को अंजाम देने के साथ साथ चोरों ने जमकर उत्पात मचाते हुए ट्रैक्टर शोरूम को आग के हवाले कर दिया, जिससे ट्रैक्टर शोरूम पर अंदर 8 ट्रैक्टर, 1 पिकअप वैन, 1 जनरेटर, 2 करोड़ के ट्रैक्टर के महंगे पार्ट्स जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। टोटल टायर सब चीज जल गया, कितना का नुकसान हुआ? अभी हम क्या बताया, जब तक घुसेंगे क्या बता, मोटा मोटी लगा अभी हम कुछ नहीं बता सकते जब तक हमको। कितना ट्रैक्टर जला होगा इसमें? ट्रैक्टर कम से कम यहाँ से 7-8 और नगद 8 लाख रेट मान चलिए, 2 करोड़ का मेरा पार्ट्स है। और नगद कितना ले गया? नगद ज्यादा नहीं ले गया है, 5 लाख रुपए ले जाते। मिला है हम लोग 112 से, कि वहाँ पे डीटीओ ऑफिस के बगल में आग लगी है, वहाँ से 4 गाड़ी हमारी आई है और आकर सर ये किस चीज़ में आग लगा है सर? ये ट्रैक्टर के गोदाम में पता चला हमको, ट्रैक्टर गोदाम का आग पर काबू पा लिया गया। तो देखिए आपके तो काबू हम करीब पा चुके हैं, उस समय आए थे तो उसमें खरीदे भी जा रहे थे, हमारा फोटो भी है। क्या नाम है सर आपका? अग्निशमन पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह। वहीं भागलपुर में ई रिक्शा की चोरी काफी बढ़ गई है। हर दिन कभी मोटरसाइकिल की चोरी, तो कभी साइकिल की चोरी, तो कभी रिक्शा की चोरी का मामला सामने आ रहा है। वहीं आज मोदी नगर हॉस्पिटल के पास एक वृद्ध युवक अपना रिक्शा सड़क के किनारे खड़ा कर पानी पीने लगा। इसी दौरान रचुनक मकनपुर का रहने वाला शातिर चोर गौरव ई रिक्शा लेकर भागने लगा। तभी वृद्ध युवक के शोर मचाने पर लोगों ने उसे खदेड़ कर पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी। टोटो वहाँ पे खड़ा किए थे क्या? पानी पीने, पानी पीने के लिए खड़ा किए थे और लड़का लेकर के भाग गया। कहाँ पकड़ाया? पब्लिक वहीं पकड़ा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मिंटू दास। मिंटू दास, आप ही का टोटो था? अपने सामने लगता है, लगता है। महेश का था। उसका घर कहाँ है? टोटो वाला पकड़ा गया, उसको थाना ले गए। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया। इस हादसे में 4 बच्चियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल दुर्घटना मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु स्टेशन की बताई जा रही है, जहां देर रात फूस के कई घरों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने 3 घरों को आगोश में ले लिया। इस हादसे में घर में सोई हुई 4 बच्चियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं हादसे पर मुसहरी अंचलाधिकारी ने बताया कि इस घटना में 4 बच्ची की जलकर मौत हो गई है, जबकि कई लोगों का इलाज जारी है।
आपके पता नहीं, हमको भाई है, भाई भौजाई है, हमको फोन किया है, तब हम ससुराल से रात में 12 बजे रात के भाग के आए वहाँ। अच्छा, कुछ पता नहीं चला कैसे आग लगा? नहीं, सब लोग कह रहे हैं जो शीतल थे, आग लगल था तो दूधोर हुआ, तब सब निकल के घर में से सब मुझाने लगे। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। ओ भाई, हम दूरा सुते गेवे कलिए, सुतलिए जगले तकते तकते घर धन आ गेले, तकलिए आग भाग धन कहत रहत उठलिए। बच्ची बाहर नहीं निकल पाए? रे बच्चा के लेके निकलिए, बेटी के निकलत रह पीछे से, देन बाबू के लेके निकली, तब बच्चे लग पीछे से चल लबत रह से जर गए लग से। 12 बजे सुसा पंचायत के अंतर्गत राम दयाल स्टेशन के पास में तीन लगी थी, जिसमें की आग लगी है। कुल 12 लोग इससे प्रभावित हैं, जिसमें 4 छोटी छोटी बच्चियां थी नरेश राम की, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी 7 एडमिटेड थे, जिसमें 3 को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है और 4 अभी भी हॉस्पिटल में हैं। क्या स्थिति है? बाकी 4 तो खतरे से बाहर ही दिख रहे हैं। वही अगली खबर मोतिहारी से है, जहां आपसी विवाद में गोलियां चल गई, जिसमें मुजफ्फरपुर के एक युवक की भी मौत हो गई है। तीन लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटनास्थल से 9 खोखा और एक पिस्टल की मैगजीन भी बरामद की गई है। पूरा मामला नगर के छतौनी थाना मठिया वार्ड 7 का है। मृतक युवक अपनी बहन की शादी का निमंत्रण कार्ड देने मोतिहारी आया था। घटना पंप के समीप एक कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर ये वारदात हुई। पूरे मामले में एसपी ने कहा कि जांच में अभी तक गैंग वॉर की घटना सामने नहीं आई है। मामले दर्ज है, अलग अलग अभी तक जो पता चला है। और इसके भाई अभी आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके ऊपर भी लूट वगैरह का केस है, तो हम लोग दिशा फिलहाल दूसरी दिशा में स्टेट कर रहे हैं। बाकी जैसा होगा फिर आप लोगों को। मृतक का क्या बैकग्राउंड है? मृतक का बैकग्राउंड तो स्पष्ट नहीं हुआ है, वो मुजफ्फरपुर के रहने वाला है। यहाँ पर शादी का कार्ड देने की बात गए वहीं पर, ये सब इधर उधर होने लगा है, धूल चलने लगा है। सर कहाँ पर गोली चला है? इस सोहन की दुकान में। कहाँ है वो दुकान? मोतिया मोड़ के आगे सैलून है, सैलून के बगल में एक मोटरसाइकिल का दुकान है और उसी के जस्ट सटले है। नहीं नहीं, मोतिहारी में की अलग? मोतिहारी में सर, पेटा कौन क्या मोतिया मोड़ पे। अच्छा, कई आदमी को गोली लगा है? सब हमको तो अभी दिख रहा है, 2 आदमी को, वो विराज में साथ उसको भी लगा है सर। हाजीपुर से जमीनी विवाद में एक बेटे ने अपनी ही माँ और भाई को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के दिघी खुट वार्ड नंबर 26 की बताई जा रही है। इस घटना के बाद आरोपी ने युवक को और उसके परिवार वालों को पुलिस केस करने पर जान से मारने की भी धमकी दी है। तीन नंबर वाले भाई साहब विनय सिंह, उनका बेटा सब ईटा चलाने लगा हम लोग को, तो मम्मी को बचाने गए, देखे तो मम्मी का तो पूरा सर फटा हुआ था। जैसे उसको उठाने के लिए गए कि लोग हम पर भी पूरा वार कर, पूरा सर को फाड़ उड़ दिया। अच्छा, हम चिल्लाए तो आसपास के लोग जम गए, तो बचाने लगे। इसी बीच मेरी वाइफ आई, मेरे भाभी लोग भी आए, मेरे भैया भी आए बचाने के लिए। तो भाभी और मेरी वाइफ को भी लोग मारा ही था, उनका मंगलसूत्र चैन छीन लिया, उनका बेटा था मेरा वो लॉकेट भी छीन लिया। लोग मारने वाले कौन थे, नाम क्या? लुधियाना में गैस लीक से हुई गया के एक ही परिवार के 5 लोगों के मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर गया जिले के कौंच थाना के धनुबिगा गांव में पहुंचा। शव को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोग इंतजार में घंटों तक खड़े रहे और प्रेतक गांव धनुबिगा में शव आने से पहले जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन का आने का सिलसिला शुरू हो गया। MLC रिंकू यादव, SDO करिश्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। फोन आया पंजाब गैसपुरा से, गैस लीक के होने से जो है इन लोग को मौत हुआ है।
कितने लोगों की मौत हुई है? पूरे परिवार 5 लोगों की मौत हुआ है। ये लोग कब गया था वहाँ, कब से रह रहा? 15-20 वर्ष से वहाँ रह रहा है। वहाँ रहते हैं। क्या काम करते थे वहाँ पे? प्रैक्टिस करते थे, ग्रामीण चिकित्सक जो होते हैं, दवा बीरो वही प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थिति वार्ड नंबर 41 के नारायण दास लेन में पिछले 8 दिनों से मोटर खराब होने के चलते लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लगातार गर्मी से परेशान लोग पानी दूसरे वार्ड से लेकर आते हैं, जबकि दूसरे वार्ड के लोगों से पानी को लेकर विवाद भी लगातार होता रहता है। नगर निगम और वार्ड पार्षद के पास कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आज तक नगर निगम की ओर से पियाऊ में लगे मोटर को ठीक कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं पानी की समस्या से लोग काफी परेशान हो गए हैं। क्या करें, हमारे घर में शादी है, कहाँ किसे पानी मांगे? कितने दिन से पानी बंद है? आज 7-8 दिन हो गया सर, सबका नाला साफ नहीं होता है सर। देखिए पिल्लू आगे बरस रहा है, क्या करेंगे सर? भाषा नहीं ले जाता, भाषा वाला नहीं आएंगे सर। दूसरे वार्ड से पानी हमको लाना पड़ता है, बच्चा घर में परेशान होता है, बीमार पड़ गया बच्चा, पानी लाकर दूसरे वार्ड से ला के। इसीलिए हमको सरकार से गुहार है कि हमारे वार्ड में पानी का मुआवजा करवाए। वार्ड पार्षद को बोले हो? नहीं। वहीं अगली खबर भागलपुर से है, जहां ग्रामीण विकास विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2023 के अवसर पर महात्मा गांधी नरेगा के 100 कार्य दिवस रोजगार प्राप्त करने वाले मजदूरों और पंचायत में 100 दिन का कार्य पूरा करने वाले पंचायत रोजगार सेवकों का सम्मान किया। यह सम्मान समारोह भागलपुर समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि ये राज्यव्यापी कार्यक्रम हर जिले में चल रहा है। अपने भागलपुर के 16 प्रखंड के सभी 100 दिन पूरे करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि भागलपुर के 2 लोगों को पटना में भी सम्मानित किया जा रहा है। ये अपार खुशी की बात है कि आज का दिन हम लोगों के लिए एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। साल में अपना 100 दिन का काम पूरा किए हैं, चूँकि वो लोग सजग रहे हैं और मनरेगा में ये रहा है, मनरेगा यही कहता है कि हम 100 दिन रोजगार की गारंटी लेते हैं। तो वैसे श्रमिक जो अपने कार्य में काफ़ी सजग रहे हैं और ग्रामीण विकास के हर एक पहलुओं पर खरा उतरते हुए अपना काम पूरा किए हैं, तो आज उनके सम्मान का दिवस है। साथ ही साथ वैसे PRS जो सर्वाधिक संख्या में वही भागलपुर के बरारी स्थित ITI में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जिला श्रम संस्थान
विभाग में किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रम अधीक्षक विनोद कुमार के द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें मजदूरों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रम अधीक्षक ने बताया कि बिना मजदूर के देश आगे नहीं बढ़ सकता, उन्हीं की मेहनतों के चलते आज बड़े बड़े भवन और देश के आगे बढ़ने के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें मजदूरों की अहम भूमिका है। तेरह मई को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत की तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भागलपुर में कहलगांव नवगछिया के क्षेत्रों में 1 मई से 12 मई तक जागरूकता रथ के जरिए लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करती हुई नजर आएंगी, जिसको लेकर भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ अभियान शुरू हो रहा है जो आज से लेकर 12 तारीख तक चलेगा, जिसमें भागलपुर और हमारे दो अनुमंडल हैं जो नवगछिया और कहलगांव है, वहाँ भी ये रथ रवाना होंगे और वहाँ जाके लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लोग 13 तारीख को यहाँ आए और लोक अदालत में अपने वादों का निष्पादन करा सकें। हमारे यहाँ इसके लिए तैयारी पहले से ही चल रही थी और हम लोगों ने अभी तक लगभग 20,000 नोटिस भी कर दिए हैं और इसमें जो भी सुलहनीय वाद हैं वो शामिल किए जाते हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज, बिजली के केसेज, पानी का केसेज, नाप तौल विभाग का केसेज और बैंक से रिलेटेड जो भी मामले हैं वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे। क्या कुछ लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है कि इस बार भी, पिछले साल हम लोगों ने 2700 डिस्पोजल किया था क्रिमिनल केस में और क्रिमिनल और बैंक से रिलेटेड दोनों मैटर मिला के 2700 डिस्पोजल किया था। इस बार भी उम्मीद है कि उससे ज़्यादा ही करें। वहीं भागलपुर के जगदीशपुर रेलखंड के टिकानी रेलवे लाइन में मानसिक रूप से बीमार एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि कई दिनों से चंदन मानसिक रूप से बीमार था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिक्षक नियमावली 2023 लागू होते ही पूरे बिहार के शिक्षक काफी आक्रोशित हैं। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं भागलपुर में भी शिक्षकों का गुस्सा फूटा और सभी शिक्षक माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने घंटाघर चौक से जुलूस निकाला, जो समाहरणालय पर आकर समाप्त हुआ। इस दौरान शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित बिहार के शिक्षा मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। हमारी मांग है अध्यापक 2000 नियमावली 2023 नीतीश कुमार को वापस लेना होगा। बिना शर्त दिए हमारे नियोजित शिक्षक जो 3 लाख पूरे बिहार में है उसको जो है राजकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन, ऐच्छिक स्थानांतरण और सरकारी सारी सुविधा हमको मिलनी चाहिए। यदि हम लोग को यदि वेतनमान और राजकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ से भागलपुर से लेके पटना तक राज्य संघ के नेतृत्व के महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए भी तैयार हैं। अगली लड़ाई हम लोग महासचिव के अनुसार 20 मई से हम लोग समरणालय के पास, आयुक्त कार्यालय के पास हम लोग धरना देंगे, जिसके चलते हम लोग सारी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे गोली चलाए, लाठी चलावे या जेल भरो आंदोलन होगा, लेकिन हम लोग राजकर्मी का दर्जा जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग आंदोलन वापस नहीं लेंगे। वहीं बाढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। बता दें कि चंपापुर गांव के एक मकान में छापेमारी की गई, जिसमें 62 किलो गांजा बरामद किया गया है और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तस्कर लंबे समय से गांजा तस्करी का काम करते थे। ग्रामीण SP मकसूद इमरान ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर से सघन पूछताछ की जा रही है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई जा रही है।
वहीं बाढ़ के बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण सड़क हादसे में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग जख्मी रूप से घायल हो गए हैं और ऑटो के परखच्चे भी उड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक पटना सिटी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर बाराती अथमल गोला थाने के राजपुरा गाँव ऑटो से लौट रहे थे। घटना के बाद गाँव में कोहराम मच गया है। कौन गाड़ी था? CNG टेम्पो था। टेम्पो? CNG टेम्पो। हाँ, वो ट्रक से टकरा गया। कौन से टकराया? ट्रक से। और कितने आदमी घायल हैं? उसमें 12 लोग थे, 12 के 12 घायल हैं। 12 घायल हैं टोटल घायल। और तीन को दर्द कर गया। तीनों के अंदर सांस नहीं था तो बराती करके लौट रहा था तो CNG से आ रहा था, ये लोग चंपापुर सामने में जाए खड़ा गाड़ी में मार दिया है और जरा में 3 वर्ष रोड डेट हो गया है। हाँ, 5 लोग घायल है और 3 वो सीरियस है जो कि TMC चला गया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आह्वान के तहत जिला मुख्यालय औरंगाबाद में संघ के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में नियोजित शिक्षकों की सेवा राजकर्मी में समायोजन करने, पुरानी पेंशन लागू करने के लिए मार्च निकाला गया, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार हमेशा नियोजित शिक्षकों को साथ धोखा करती रही है। फिलहाल बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।